बड़ा चैलेंज ये था एज अ रिपोर्टर, हमने भी वो सारी चीज़ें फेस की। टॉयलेट्स नहीं थे, हमें पीरियड्स के दौरान पैड करने के लिए कोई वॉशरूम नहीं मिला, हमने अंधेरी रात में हाईवे के बगल बगल में हमने जो है वॉशरूम अंधेरे में हम गए, तो वो सब प्रॉब्लम्स जो है मल्टीप्लाई हो गए जो यूजुअल डेज में हमारी होती थी। लॉकडाउन अनाउंस किया गया और फर्स्ट वेव जब कोविड की आई, तो मैं और विस्मी हम दिल्ली से निकले थे और हम यूपी और बिहार कवर करते हुए वापस आए थे। हमें लगभग 3 हफ्ते से ज़्यादा समय लगा, हमने सड़क पर ये 3 हफ्ते बिताए और हमने माइग्रेंट एग्जोडस की कहानी दिल्ली से शुरू होते हुए नेपाल बॉर्डर तक कवर की। और इस पूरी सीरीज़ में बहुत सारी कहानियाँ थी और हम जो है हाईवेज पर डिलीवरी हमने कवर की, हमने जो मनरेगा से वापस जो मजदूर लौटे थे उनको जितना काम मिला उसके ऊपर स्टोरी की। हमने ये भी स्टोरी की कि लॉकडाउन की वजह से जब सैलरीज कट हो गई है, इनकम नहीं है, तो कैसे परिवार ने अपने जो कंजम्पशन की कैपेसिटी है उसको कम कर दिया, दूध पीना कम कर दिया, घी खाना कम कर दिया। तो हमने इस तरह की सारी स्टोरीज की, क्वारंटाइन सेंटर्स में हमने स्टोरी की कि कैसे एक मजदूर मुंबई से ट्रक में बैठ के आया और अपने घर से कुछ किलोमीटर दूर आके उसकी जो है डेथ हो गई। और हमने सरकार के जितने भी मिसमैनेजमेंट की कहानियाँ थी वो सब हमने इस सीरीज में कवर की। लॉकडाउन पहली बार ऐसा हुआ था कि कंट्री वाइड लॉकडाउन आ गया था, लेकिन जो हम लोगों ने सड़क पे चलते हुए देखा था कि काफ़ी लोग अपने घर के लिए रवाना हो चुके थे, मजदूर जो दिल्ली NCR यूपी में काम कर रहे थे अपने घर जा रहे थे, उनके पास ना खाने के लिए कुछ था, ना पीने के लिए कुछ था। इनफैक्ट यूपी में मैंने एक बहुत ही एक अजीब दास्तान हम लोगों ने विटनेस किया था, जिसमें कि हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर एक नए बच्चे को पैदा होते हुए देखा था और एक इंसान की मौत देखी थी। तो लाइफ वेंट फुल सर्कल फॉर अस एट दैट टाइम। जो स्टोरीज हम कवर कर रहे थे, हम जब ट्रैवल कर रहे थे स्टोरीज के लिए, हम बिहार बॉर्डर तक गए थे, जब बिहार वेस्ट बंगाल बॉर्डर तक जब हम पहुँचे थे तब तक ये हम लोगों ने एक महीने लगभग की तय की थी, हम लोगों ने लगभग 25 स्टोरीज फाइल की थी इस पूरे जर्नी में। और जस्ट चैलेंजेस इज अ होल, इंडिया हैज नेवर शट डाउन लाइक दैट बिफोर। द गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट, द क्राइसिस इन माइग्रेंट वर्कर्स फेस्ड was at a whole different level. Deaths, lack of food, scarcity for basic necessities. In fact, छोटी और मैंने खुद ही basic necessities के लिए scramble किया उस time पे। अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा था तो आप समझ सकते हो कि बाकी लोगों के साथ जो पीरियड है ऑलरेडी उनके साथ क्या हो रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज ये था एज अ रिपोर्टर, हमने भी वो सारी चीज़ें फेस की। टॉयलेट्स नहीं थे, हमें पीरियड्स के दौरान पैड करने के लिए कोई वॉशरूम नहीं मिला, हमने अंधेरी रात में हाईवे के बगल बगल में हमने जो है वॉशरूम अंधेरे में हम गए, तो वो सब प्रॉब्लम्स जो है मल्टीप्लाई हो गए जो यूजुअल डेज में हमारी होती थी। खाना कहीं अवेलेबल नहीं था, सारे रेस्टोरेंट्स शट थे। इसके ऊपर सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो है कि उस वक्त इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी, इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ थी, हमें इतनी सेंसिटिवली रिपोर्ट करना था कि हम उस फेक इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐड ना करें और ऑल्सो एट द सेम टाइम हम उसकी इंटेंसिटी को कम ना करें। तो टू बी एक्यूरेट एंड ऑल्सो टू बी यू नो उसे उतनी सेंसिटिविटी के साथ पेश करना, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। भाषा कैसी होनी चाहिए उस रिपोर्ट की, फैक्ट्स कहाँ से लाएंगे, हमने सब वो ओवरकम किए। मीनवाइल हम जो अदर चैलेंजेस जो बिस्मी ने बताए वो बैटल कर ही रहे थे।